नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और इग्नू में एक नई अपडेट आई है, बड़ा चेंज हुआ है इग्नू में, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे 22 दिसंबर 2018। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से जैसा कि आप अपना आईडी कार्ड नहीं खोल पा रहे थे, आईडी कार्ड आप इग्नू की ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो अपना आईडी कार्ड जब आप निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं आ पा रहा था। तो अब उसमें जो चेंज हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको रीजनल सेंटर जाकर अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करवाने की, ठीक, क्योंकि अब वो ऑटो जनरेटेड आईडी कार्ड आपको मिलने लगा है। उसके अंदर आपको जाना है और डाउनलोड आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे आप तो उसमें पासवर्ड मांग रहा है, वो पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड आपका इनरोलमेंट नंबर है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है और आपको पास एक ऑटो जनरेटेड आईडी कार्ड बन जाएगा, निकल आएगा, जिसको आपको प्रिंट करवा लेना है, कलर प्रिंट करवा लेना है और उसको लैमिनेट करवा लेना है और उसको अब रीजनल सेंटर में जाकर वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नई अपडेट है, जैसे कि काफ़ी दिनों से आईडी कार्ड नहीं खुल पा रहा था तो अब वो खुल पा रहा है। आप जाकर वहाँ पर से आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आईडी कार्ड डाउनलोड करते वक्त जो पासवर्ड मांगा जा रहा है वो पासवर्ड आपका इनरोलमेंट नंबर है और उसको अब आपको सीधा याद रखिए कलर प्रिंट निकालना है और उसको लैमिनेट कर लेना है। अब रीजनल सेंटर जाकर उसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये नई अपडेट है इग्नू में जो कि आई है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।